In a major success for Goa police, ANC arrested one Nigerian citizen with 15 lakh narcotic substances at the Mapusa bus stand. It is believed the arrested woman was the main supplier of narcotic substances in North Goa, and with her arrest, the supply chain was broken. The arrested woman was living in India on student visa. Akshit Kaushal, SP North Goa. As you are well aware that the anti-narcotic cell of Goa police, it has been regularly conducting lot of raids and it has busted large number of drug cartels in Goa. And in continuation of this, we have achieved a major success on 14 when a raid was conducted. And we have arrested one African national by the name of Faith, who is 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapusa, near this bus stand which is at Mapusa. And from her possession, we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her, we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the anti-narcotic cell police station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady. As soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी, हम आपके साथ शेयर. इसके अंदर हम काफ़ी केसेस के अंदर हमने सप्लायर्स को पकड़ा है और उनको हिरासत में भेजा है, और सब केसेस के अंदर हम लोग जो सप्लायर है उसको पकड़ने पे ही हमारा जोर रहता है. नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से देर इज वी हैव नॉट फाउंड एनी ऑफेंस विच इज रजिस्टर्ड, बट वी आर चेकिंग विद बैंगलोर पुलिस बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम बैंगलोर. जो इन्होंने इनिशियल अपनी इंटेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के ज़रिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी. तो वो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच, वी आर ट्राइंग टू गेट डिटेल्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनी केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि शी इज़ अ नाइजीरियन नेशनल हु केम टू इंडिया ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा इन 2022. Initially, she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University. But she has revealed that she did not join the program. Instead, she went to Bangalore, and in Bangalore, she started working and doing all kinds of activities. तो एक अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक. इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके अंदर डोमेस्टिक लिंक्स क्या हो सकते हैं और भी क्या लिंक्स हो सकते हैं, उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है. वी डोंट लीव एनी साइड विच इज नॉट लेफ्ट अनडिटेक्टेड. हाँ, वीज़ा इज वैलिड. बताया कि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपना वीज़ा मांगा था और उनको भारत सरकार ने दिया था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये जाके इन्होंने कभी भी लखनऊ में एडमिशन नहीं लिया, और अभी तो उन्होंने हमें बताया कि ये लखनऊ गई भी नहीं कभी. इंस्टेड ये दिल्ली से बैंगलोर की आ गई. कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद शी केम टू बैंगलोर एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर. सर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने लैंड दिल्ली में किया, दिल्ली के बाद वो बैंगलोर गई. जब बैंगलोर से वो एक ड्रग्स लेके गोवा में आई तो हमारी गोवा पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया. ये तो दिखाता है कि देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज वर्किंग, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वी हैव बीन एबल टू गेट सक्सेस. सर, दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट केस स्टडी. सर, सिंस द प्रॉम्प्ट अप्रोच
there are broadly two approaches which we follow. One approach is what जिसके लिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग भी बुलाई गई है, विच इज़ दी अप्रोच ऑफ एनफोर्समेंट, कि जहाँ पे भी हमें दिखता है कि कोई इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा है उसको वो हम उस पर जो भी सख्त के सख्त कार्रवाई है वो हम करते हैं और अरेस्ट करके उनको सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं। खत्म कर लूँगा। जो उसका दूसरा अप्रोच है वो एजुकेशन का है, अवेयरनेस का है, और उसके अंदर भी ANC रेगुलरली एजुकेशन की ड्राइव्स करता है, जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल माने तो जो हमें लगता है कि वो ऐसा एज ब्रैकेट में है जहाँ पे टेंडेंसी हो सकती है ऐसी चीज़ों पे थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाने की, तो वहाँ पे हमारी टीम जाके उनको प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस देती है कि बिल्कुल ये ड्रग से दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, ये सब की जानकारी उनको हम देते हैं जी। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस ANC इज डूइंग डिटेक्शन, एंड दे आर नॉट टाइनी डिटेक्शन, दे आर वेरी सब्सटैंशियल डिटेक्शन विच आर हैपनिंग। जस्ट 2 weeks बैक in Fonda they had busted a lab which was growing weed, hydroponic ganja inside a residential complex. To us tarike ki intelligence gather karna aur usko aise raids ko successfully karna ye darshata hai that the ANC has been doing lot of efficient work both at intelligence gathering and also at being able to crack down on anyone who is bringing drugs from outside into Goa. नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ना ही आप इसको मिसरिप्रेजेंट करें इस चीज को। हमने आपको ये कहा है कि हमारी टीम हमेशा अलर्ट रहती है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि करे, महिलाएं या पुरुष, तो हमारा जो ANC का स्टाफ है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस का स्टाफ है, क्राइम ब्रांच है, वो उनको रूटीनली उसी समय वहां पे अरेस्ट करके उस पे जो लीगल एक्शन है वो लिया जाता है। सर मेनली चैलेंजेस रहते हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस पे, सो कहीं भी वहां पे जब से आउटडोर से गोवा में ड्रग्स आते हैं तो वहां पे जो कार्रवाई कम दिखाई जाती है। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं ये, आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि अभी की केस है, जब ये बैंगलोर से जब गोवा पहुंची और यहाँ पे ग्रीन पार्क तक पहुंची, पर इतने लंबे दूरी से ट्रैवल करके वो गोवा में आ गई, तो यहाँ भी आपको लगता है कि अगर वहाँ पे तो आई थिंक आपने सुना नहीं जो मैंने कहा, मैं ये भी आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। इनको हमने बस स्टैंड से ही पकड़ा है, तो जैसे ही वो बस स्टैंड पे ही उनको अप्रिहेंड कर लिया गया तो आगे तो वो कहीं गए, वो तो बस स्टैंड से हमने, ये तो दिखाता है कि जो बस हमारा जो वो है वो अलर्ट नेचुरली। इसके अंदर जो एक हमेशा एक जो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, और हमेशा ये हमारा भी प्रयास रहता है कि हम कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम और डिटेक्शन कर सकते हैं, और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हम काम करते रहते हैं, और हमारी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में और अच्छे डिटेक्शंस करेंगे और अच्छा काम करेंगे ताकि हम गोवा को बिल्कुल ड्रग फ्री बना।